नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां ने आजम खान द्वारा कास्टेडियम की जमीन पर कब्जे को लेकर गृह मंत्रालय को लिखा था, पर जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने भेजा पत्र। ये जो शिकायत मैंने करी है ये तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। पिछली दो सरकारों में भी मैंने ये शिकायत की। उस वक्त आपको याद होगा कि आरपीएन सिंह जी जो गृह राज्य मंत्री थे गृह के, वो आए थे, उनको भी मैंने शिकायत करी थी। पिछली सरकार में राजनाथ सिंह थे गृह मंत्री, उनको भी शिकायत करी थी, लेकिन उन दोनों ने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया। और अब मैंने मौजूदा वर्तमान सरकार में जो अमित शाह जी हैं उन्हें शिकायत मैंने करी, सारे दस्तावेज मैंने उन्हें भेजे, और पहली दफ़ा मुझे ये लगा कि सरकार इस मामले में वाकई में सीरियस है, और उन्होंने पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे। क्योंकि जो गृह मंत्री जी ने, वो किस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? जो जौहर यूनिवर्सिटी में कस्टोडियन की ज़मीन है, कई एकड़, कई सौ एकड़ है, मैं उस मामले की बात कर रहा हूँ, और उसमें मेरे ख्याल से प्रक्रिया शुरू भी हो गई। आपको लगता है ये गृह मंत्री ने जो आपको आश्वासन दिया है ऑन पेपर संतुष्ट है? हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि उनके जो गृह मंत्री, उनके काम करने का तरीका बहुत सही है और बहुत ट्रांसपेरेंट है, और वो कभी भी अन्याय होने नहीं देते। तो जिस तरीके से यहाँ के भ्रष्ट मंत्री आजम ने, पूर्व मंत्री आजम ने जिस तरीके से गरीबों की ज़मीनों को छीना, और ख़ास तौर से सरकारी ज़मीन जो थी कस्टोडियन की, उस पर उसने उसको लेकर अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, तो वो कस्टोडियन ज़मीन वापस सरकार को ही जानी है। और जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने ये काम किया, उन पे पूरी तरह से कार्रवाई भी की जाएगी। तो गृह मंत्री जी ने क्या कहा आपको लेटर में, क्या क्या लिखा? अब उसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब उन्होंने इसका आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही मुझे अपडेट करेंगे कि उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है।